राधे राधे। जैमिता जी की लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा करे। मैंने एक Q&A की एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें कोई भी भक्त को अगर प्रश्न कहे तो वो हम जो है ना शॉर्ट अपलोड किया था, उसमें आप जो प्रश्न कर सकते हो बिना समय व्यर्थ किए हुए। मैं प्रश्न शुरू करती हूँ राधे, क्योंकि प्रश्न बहुत अधिक है भक्तों के, तो जिनके रिपीट में क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको मैं एक ही मतलब की वीडियोज में जो है उनको प्रॉपरली मैं बता दूंगी आप सभी भक्तों को। सबसे है राधा मनमोहन जी का प्रश्न है, एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या हम नमक खा सकते हैं? तो एकादशी के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है राधे, और अन्न ग्रहण भी नहीं होता है। आप फलाहार रह सकते हो और सागार लेने के लिए कहा जाता है व्रत के अंदर। अब जब भी आप व्रत की कथा पढ़ते हो एकादशी की, तो उसमें कहा जाता है जैसे आपको ककड़ी का सागार लेना है या आज के दिन दूध का सागार लेना, तो इसका मतलब ये होता है जिस दिन आप एकादशी का व्रत रहोगे उस दिन आपको शाम के समय वो चीज खानी है व्रत में। अगर आपको वो कहते हैं पेठा खाना है तो आपको पेठा खाना पड़ेगा, अगर आपको कहेंगे केला का सागर लेना तो आपको केला खाना पड़ेगा, और ये एकादशी के दिन ही खाना होता है। नमक नहीं खाना है और अन्न नहीं खाना है राधे। अगला प्रश्न है भावना कुमारी जी का, उन्होंने कहा है जब हम उन कठिन समय से यानी कि जब हम मासिक धर्म से होते हैं तो क्या हम राधा रानी जी के 28 नाम और राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं? अगर आप फोन से कर सकते हो राधे, आपको याद है तब भी आप जैसे ना गायन कर सकते हो, लेकिन आपको जो हमारे ग्रंथ है उसको नहीं छूना है, उसको आप टच नहीं कर सकते हो, मानसिक कर सकते हो जब, तो इस तरीके से आप जो है ना पीरियड के समय भी कर सकते। डॉक्टर आदित्य शर्मा जी का अगला प्रश्न है सुंदरदास जी कौन है, तो इसके बारे में जो है ना मैं फुल वीडियो चैनल पे अपलोड करूंगी कि सुंदरदास जी कौन है, और उसमें मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगी, क्योंकि एक वीडियो ही मेरी सुंदरदास जी पे ही बन जाएगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर अपलोड करूंगी राधे, उसमें सुंदरदास जी के बारे में जरूर बताऊंगी जो मैं कल अपलोड करूंगी। लाला को भोग में मैगी लगा सकते हैं? हर्ष दुबे जी का जो है ये प्रश्न है, क्या हम भोग में तुलसी लगा सकते हैं? देखिये हरिवंशी संप्रदाय वो मैगी सॉरी लगा सकते हैं, मैं तो नहीं देती हूँ लाला को, नहीं लगाती हूँ। अगर घर में बनी हो हाथ से आटे के या नूडल्स घर पे बनाए हो मैंने अपने हाथों से तो मैं लाला को पवाती हूँ, अदरवाइज बाहर से नहीं लगाती। और मैं तो कहती हूँ आप भी मत लगाइएगा, क्योंकि कहते हैं बिल्कुल जब मतलब एकदम वेस्ट मटेरियल हो जाता तब उससे बनता है, तो बिल्कुल भी मत पवाना, ना आप खाओ ना लाला को खिलाओ, क्योंकि जो लाला को हम खिलाते हैं फिर वो भोग हम भी पाते। जितना हो सके राधे आप जितने भी भक्त बाहर की चीजों को अवॉइड ही करो, बाहर की चीजें मत खाओ, तला भुना सब तरीके से, हमें नहीं पता है क्यों अपने विकारों को बढ़ाना, जीभ के स्वाद के लिए हम ये सब चीजें खाते हैं, जितना हो सके अवॉइड कीजिएगा। अगला प्रश्न है भक्त का राधा कृष्णा जी की, राधा वाला संप्रदाय में आना चाहती है, वो बुक्स भी रीड करती है, तो मतलब बिना जैसे केली कुंज जाए बिना गुरु आगे के बिना किसी से मतलब डिसीजन लिए तो क्या हम बुक्स रीड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं राधे, एक बार केली कुंज जरूर जाइए, चाहे आप वहां से आपको जो बाबा जी बाहर खड़े होते हैं वो एक बार आपको ये बोल दे, क्योंकि देखिएगा गुरु तक पहुंचाने का मार्ग वही हमें दिखाते हैं कि हमें कैसे कैसे रास्ते पे चलना है, कैसे कैसे चलना है, तो एक बार वो आपसे कहेंगे कि हाँ आप इन ग्रंथों का पाठ कीजिए। इस तरीके से आप जा सकते हैं तो राधे जरूर कोशिश कीजिए कि आप जाकर वहां से फिर पाठ करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपने मन से गुरु मान लिया है उनको तो फिर आप बिल्कुल पाठ कर सकते हो, अगर आप जा सकते हो स्थिति है आपकी वृंदावन जाने की तो आप जाकर वहां पर एक बार आज्ञा से लेकर ही सब नियम फॉलो करते चले जाइए, नाम जप करना है, तुलसी का ग्रंथ पाठ करने हैं, सब चीजें कर सकते हो। अगला प्रश्न है भक्त का कि अगर वो नीम की तुलसी नीम की माला से जाप कर रहे हैं और जब तक उनके पास तुलसी माला नहीं आती है तो फिर क्या वो जाप कर सकते हैं तुलसी माला पर? तो नीम की माला का क्या करना, आप यमुना जी में प्रवाहित कर दीजिएगा और एक माला बनाइए अपनी जिसपे नियम से आप जो है ना एक मंत्र आप जप कर सके, और वो गुरु आज्ञा से आप जो भी मंत्र लेना चाहते हैं वो एक निष्ठा होकर उस मंत्र का जप करिए राधे, और एक ही माला पे जप होना चाहिए। जब आप तुलसी माला ले लोगे उसके बाद में नीम की माला का यमुना जी में विसर्जन कर दीजिएगा और तुलसी माला से जो आप जाप करते हैं फिर उसी से कंटिन्यू अपने जाप रखिएगा। वसुंधरा जी हैं, उन्होंने कहा है कि गुरु जी से दीक्षा लेनी है तो आप कुछ बता सकते हैं राधे? मैंने बहुत सी वीडियो में राधे बताया भी है, जैसे गुरुदेव से आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो आप एक बार केली कुंज अवश्य जरूर जाए, वहां जाकर बाबा जी से आप वहां जाकर बात कीजिए, वो आपसे मार्ग दिखाएंगे कि आपको दीक्षा के लिए किन किन रस्तों पर चलना है, आपको कौन से ग्रंथ करने हैं, आपको माला जाप करना है, कौन सा मंत्र आपको जपना है, मस्तक पर कौन सा तिलक लगाना है आपको,
सारी गाइडलाइंस आपको वहां से मिलेगी राधे। एक बार आपको कलिकुंज अवश्य जाना होगा, क्योंकि जब तक हम जाएंगे नहीं और बिना जाए जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमको मंजिल मिलेगी नहीं राधे। तो इसलिए जब भी आप वहां जाओगे तो ये नहीं कि हम YouTube के माध्यम से सब चीजें कर रहे हैं, आप एक बार अवश्य जाए भी जरूर राधे। अगला प्रश्न है सरिकाम जी का कि उन्हें उल्टे पुल्टे विचार आ रहे हैं, मानसिक वैष्णव अपराध बन जाता है, जैसे कि सत्संग या जो भी आप चीज कर रहे हो उससे मतलब आपकी सेवा अलग हो जाती है जब मानसिक अपराध बनता है। तो राधे देखिएगा, लाडो से हमें क्षमा मांगना चाहिए, जिनके प्रति वैष्णव अपराध बनता है उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए और दोष दर्शन नहीं करना चाहिए राधे। आजकल यही सबसे अधिक हो रहा है, क्योंकि हम जैसे किसी को भी, अब हमें नहीं पता कि वो कितने उच्च कोटि के संत है या फिर उनकी भक्ति कैसी है, उनके भाव कैसे हैं, हम किसी के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन हम अपना जो है ना मत उनके सामने प्रस्तुत कर देते हैं कि अपने मन में दोष दर्शन कर देते हैं, अरे ये तो इस तरीके से इस तरीके से, वो वैष्णव अपराध बन जाता है। तो कृपया करके बहुत बचें इस चीज से, क्योंकि ये भक्ति से ना आपके बाधा बनती है इनसे। नाम जब अधिक करे लाडली से क्षमा याचना करे, जिनके प्रति बन गया है उनसे भी क्षमा याचना करे। अगला प्रश्न है रोशनी जी का, उन्होंने कहा है कि मासिक धर्म में हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। अगर आप लाला को पुत्र भाव से मानते हैं तो आप सेवा कर सकते हो, और अगर आपको ये लगता है कि नहीं हम अपने प्रभु के रूप में सेवा कर रहे हैं, आपके घर में कोई है सेवा के लिए, तो आपको जो है ना उनको सेवा सौंप देनी चाहिए कुछ दिन के लिए। लेकिन अगर आपके पास कोई नहीं है सेवा के लिए और आप अकेले ही हो जो भोग प्रसादी तैयार करते हो, तो आप भोग तैयार कर सकते हो, लाला के सामने थाली रख सकते हो कि आप जो है ना 3 दिन तक निषेध रहेगा राधे, आपको जो है ना स्पर्श नहीं करना होगा मंदिर को, ना लाला को करना होगा, आपको 3 दिन के बाद में जो ना फिर से अपना पूजन शुरू कर सकते हो, तो आपको इसलिए 3 दिन तक निषेध रखना होगा। अगला प्रश्न है वृंदा शर्मा जी का, उनका सवाल है कि जैसे वाणियों का इन्होंने पाठ किया है 1 से 2 दिन जब तक महाराज जी का, जब तक इन्होंने पाठ किया, फिर उसके बाद में अब वाणी पाठ नहीं करना चाहते, विवाह नहीं हुआ, विवाह संबंध में बनना चाहते हैं, अब विवाह के बाद में उपरांत ये नहीं पता कि गुरु दीक्षा के नियम पे चलने देंगे नहीं देंगे, जिनसे विवाह होगा वो भक्ति मार्ग पे होंगे या नहीं होंगे, या फिर वो मुझे भक्ति मार्ग में चलने से रोके, तो राधे मैं आपको एक ही चीज कहूंगी कि अभी आप जो है ना सिर्फ नाम जप करें, मानसिक नाम जप करें आप, जब विवाह उपरांत जैसा भी आपको जीवन साथी जो है ना, दोनों जो है ना, जैसे कि अगर आप कहोगे उनके सामने इच्छा आपने प्रकट करते हो कि हाँ भाई कैसे मुझे गुरु दीक्षा लेनी है, ये सब चीजें अगर वो आपके सहयोग में करते हैं तो राधे आपको आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो अगर आप अभी से दीक्षा ले लोगे, वाणी पाठ अगर बीच में छोड़ दोगे करके, तो फिर ना इस चीज का फिर अपराध बनता है, क्योंकि जब हम गुरु आज्ञा का पालन ही नहीं कर सकते हैं। तो आप जो है ना वाणी पाठ जो है ना, जितने भी ग्रंथ आप पढ़ना चाहते हो वो दीक्षा के बाद ही पढ़े, आपका जब फाइनल हो जाए आपका कि हाँ भाई अब मैं विवाह के बाद में भी मेरे जो है ना मतलब भक्ति मार्ग में किसी भी तरीके का कोई विघ्न नहीं आएगा। अगला प्रश्न है गुरु वाणी जी का, उनका प्रश्न है कि भक्ति में मन नहीं लग रहा तो मैं क्या करूं, मन अच्छी चीजों में कभी नहीं लगता है राधे, बुरी चीजों की तरफ मन ज्यादा भागता है हम लोगों का, मन जो है ना एक साथ में 2 कार्य करने की सोचता है, जो कि सही कार्य करने के लिए तो वो अच्छा सोचता ही नहीं है, विपरीत कार्य की तरफ वो भागता है। तो कृपया करके जो है ना आप ना चाहते हुए भी नाम जप पूजा में अपना मन, नाम जप पहले अपना नाम जप से बढ़ाए, धीरे धीरे सभी चीजों को मतलब कि फिर करें, तो आपका ना जरूर मतलब जिद करनी होगी कि हमें करना है, मन लगे ना लगे आपको मन डिस्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन आपको जो ना भक्ति में लगाना ही है राधे। तो आप ये सोच लीजिए कि मैं अपने अपने ऊपर अपने मन की जबरदस्ती नहीं चलने दूंगी, मुझे प्रभु की सेवा करनी है तो मुझे करनी ही है। आपका प्रश्न है कि ना चाहते हुए भी दोष दर्शन बंद नहीं होता है, और ये इतनी गंभीर समस्या बन गई है कि भक्तों के और सभी के जैसे कि खिलाफ जैसे दोष दर्शन हो जाता है, फिर भक्ति मार्ग में समस्या आ रही है। तो राधे जब तक आप हमारी सोच पर नियंत्रण हमारा ही नहीं होगा तब तक ये चीजें बंद नहीं होगी, क्योंकि हमें प्रगट में जब आप दोष दर्शन के लिए पहले आपको नाम जप को प्रबल करना होगा, फिर लाडली पे छोड़ दीजिए सब कि लाडली जी आप जाने, क्योंकि मैं इस चीज को चाहती हूँ कि मेरे साथ ये ना हो, लाडली जो मैं आपका नाम जब आपका स्मरण कर रही हूँ और आपके सिवा मेरे दिलो दिमाग में कोई और ना आए, किसी के प्रति भी ऐसा भाव अगर बनता है तुरंत क्षमा याचना कीजिए, ये नहीं है कि उस भाव को चलते रहने देना। अगर मैं सोच रही हूँ, जैसे कि मैं अपने से बता रही हूँ, अगर मैं सोच रही हूँ कोई भाई ये कितने बुरे हैं, अगर मैं बुरे के बाद भी उस चीज को आगे और मन में सोच रही हूँ उनके लिए, तो ये गलत है, क्योंकि जब मेरे मन में एक ख्याल आया कि भाई ये मैं किसी को बुरा कह रही हूँ
और उसी समय पर अगर मुझे ये यही ज्ञात हो जाता कि नहीं भाई तुम दोष दर्शन कर रही हो, उसी समय पर रुक जाइए, उस चीज को बढ़ने मत दीजिए आगे राधे, ये चीज ना ऐसे स्थिर होने लग जाएगी, क्योंकि इस दोष दर्शन रुकना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो हमें फिर लीला प्रगट में जो महसूस एहसास होता था वो भी बंद होनी हो जाती है। तो ऐसा जरूर करें, दोष दर्शन हो उस चीज को तभी कि मुझे नहीं करना है, तुरंत नाम जप करिए, अपना मन कहीं और लगाइए। अगला प्रश्न है कि वो हरिवंश संप्रदाय को फॉलो करती हैं, 3 महीने से मतलब वो फॉलो कर रही हैं, दीक्षा नहीं हुई है, व्रत करते थे एकादशी के व्रत, फिर उन्होंने बीच में व्रत छोड़ भी दिया, फिर से व्रत करने लग गए हैं, ऐसे अपराध बनता है राधे, व्रत छोड़कर और फिर आप दोबारा से व्रत कर रहे कि या तो आपका मन स्थिर नहीं है अभी तक, आपको एक लक्ष्य पर आना होगा राधे, और बिना उद्यापन के तो कभी कोई व्रत छोड़ना ही नहीं चाहिए। और जब आपने पता है कि हरिवंशी संप्रदाय में व्रत नहीं रहते हैं, तो अभी या तो आप पूरे हरिवंशी संप्रदाय को आपने मतलब अच्छे से फॉलो नहीं कर पाए, अभी आप उस चीज पर उतरे नहीं हो अच्छे से, क्योंकि अगर बिल्कुल से उतरे होते तो राधे एक बार अगर आपने व्रत चलो पूर्ण कर दिए अपने किसी भी तरीके से, तो आपको दोबारा से व्रत नहीं करने थे, क्योंकि 3 महीने से फिर आपने मतलब क्या सीखा हरिवंशी संप्रदाय से इतने दिन में, कि सबसे नियम ही तो सबसे मेन है, सबसे प्रथम नियम कि हमें व्रत कोई नहीं करना है, सिर्फ हमें प्रेम उपासना करनी है अपनी लाडली और अपने लाला की। तो राधे व्रत जो है ना आप अगर फॉलो कर रहे हो संप्रदाय को, तो आपको उद्यापन जो है ना एकादशी का करना पड़ेगा, और निष्ठा प्रॉपर रखनी होगी राधे, एकादशी का उद्यापन कर दे तो मन में ये ना सोचे कि नहीं मुझे व्रत करना है, क्योंकि ना यही तो चीज है जो माया है जो हमें की भक्ति की बाधा कर रही है, बाधा पड़ रही है आपकी भक्ति में, क्योंकि आप चाहते हो कि मैं चीजें ना करूं, लेकिन फिर भी आपके मन में ख्याल आ रहा है कि नहीं, तो वो उल्लंघन होगा फिर आज्ञा का, इससे अच्छा है राधे कृपया करके उल्लंघन ना करें, इससे अपराध बनेगा। पूजा सिंह का प्रश्न है कि मैं लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कब शुरू करूंगी, 3 से 4 महीने राधे अभी भी वेट करना होगा, मुश्किल से अब 7 महीने बाद एटलीस्ट मुझे आज डॉक्टर ने बोला है कि अब मुझे थोड़ा आराम है, तो मैं किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क नहीं लूंगी, क्योंकि जितनी मेरी जो सेवाएं चल रही है ना, वरना वो भी बंद हो जाएंगी, इसलिए क्योंकि मुझे प्रॉपर एक जगह बैठने से डॉक्टर ने मना कर दिया है, कई कई घंटे तक मुझे मैं ऐसे नहीं बैठ सकती, और श्रृंगार में झुककर ज्यादा देर रहना पड़ता है, श्रृंगार सेवा भी नहीं शुरू होगी 3 से 4 महीने मान के चलिए करा दे, अगर मैं शुरू भी करूंगी तो मैं वीडियो शेयर करूंगी, मेरी वीडियो नहीं आ रही है श्रृंगार से रिलेटेड, तो समझ जाइएगा कि अभी वीडियो नहीं आएगी और श्रृंगार सेवा भी शुरू नहीं होगी। अगला प्रश्न है वैष्णवी भार्गव जी का, उन्होंने कहा कि वो 3 सालों से तिलक लगा रही है राधा कुंड के रंज का, राधा वल्लभ संप्रदाय को फॉलो भी कर रही है, लेकिन अभी दीक्षा नहीं हुई है, तो राधे वैसे गुरुदेव की वहां आश्रम से आज्ञा मना है कि बिना दीक्षा के तिलक नहीं लगा सकते, लेकिन आपको अच्छा हो रही है कि नहीं मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ, तो मैं आपको एक ही कहूंगी, आप केले कुंज जाकर एक बार अपनी बात को उनके समक्ष रखिए, बाबा जी के सामने जैसा भी वो कहेंगे आप लगाइए आप तिलक, या फिर आपको छोड़ना होगा तो उनकी आज्ञा को आपको मानना पड़ेगा राधे, आपको आश्रम में ये बात अपनी रखनी होगी केले कुंज जाकर अवश्य, क्योंकि आप उनसे जब कहोगे कि नहीं मैं रखना चाहती हूँ तिलक, मैं लगाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं दिल से मतलब कि उस चीज को मैं कर रही थी तो अब मैं नहीं छोड़ सकती, तो वो आपको जरूर इस चीज का समाधान देंगे, मैं तो सिर्फ उतना ही बता सकती हूँ कि वहां से मना है, बिना गुरु दीक्षा के तिलक नहीं लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है संध्या यादव जी का, उन्होंने कहा है कि उन्हें नहीं मालूम कि जैसे जिस तुलसी माला पे जाप होता है पहले उसकी प्रतिष्ठा होती है फिर जाप किया जाता है, तो आप लाडली या लालजू के समक्ष रख के राधे और उनका जो है ना थोड़ी देर राधा नाम का कीर्तन कृष्ण नाम का कीर्तन आप करके और फिर उसके बाद में जो है ना माला जब शुरू कर सकते हो, उसमें घी में भिगो के जरूर रख लीजिएगा माला को, क्योंकि उससे जो मोती होते हैं वो चटकते नहीं और वो लंबे समय तक चलती है, तो इस तरीके से आप प्रतिष्ठा कर सकते हो राधे, अदरवाइज कोई और प्रोसीजर नहीं है। द कॉस्मिक विजन नाम से, क्या व्याहुला रोज पढ़ना है, अगर आपकी इच्छा है राधे अगर आप व्याहुला रोज पढ़ना चाहते हो तो आप रोज पढ़ सकते हो, नहीं तो जिस दिन व्याहुला पढ़ने का कहा है आपको पता है कि नियम, तो आपको किस दिन व्याहुला पढ़ा जाता है तो आपको उस दिन ही व्याहुला का पाठ करना है। इशिका गौतम जी का प्रश्न है कि मंदिर में गुरुदेव की चित्रपट जो है उन्होंने विराजमान किया हुआ है और वो गुरु मानती है, क्या भोग में तुलसी दल देना चाहिए हमें, अगर आप जो राधा वल्लभ संप्रदाय को फॉलो कर रहे हो राधे तो भोग में तुलसी दल नहीं दोगे, अगर आप दीक्षित नहीं है आपने वहां से किसी भी तरीके से केली कुंज से अभी तक आपकी कोई बातचीत नहीं हुई आश्रम से किसी भी से बाबा जी से, तो अभी जो है ना आप पहले आश्रम से पहले
जाइए वहां पर, वहां पर जो अपने जो भी ग्रंथ कहा जाता है वो पढ़ते हैं, वो फॉलो कीजिए उन चीजों को, फिर उसके बाद में आपको तुलसी दल नहीं देना है राजभोग में। क्योंकि देखिएगा पहले आपने अभी तक कोई भी अगर आपने गुरु आज्ञा का कोई जैसे कि चित्रपट विराजमान है, लेकिन अभी आप ये भी नहीं पता है कि हमें कि आप उन चीजों को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर फॉलो कर रहे हो तो तुलसी दल नहीं दोगे भोग में, अगर कोई भी नियम आप फॉलो नहीं कर रहे हो राधे, सिर्फ प्रभु जो हमारे गुरुदेव का जो है चित्रपट विराजमान किया हुआ है बस उनको, तो आप जो है ना अपने लाला को भोग पवा सकती है। तो आपकी इच्छा है, आप दो या फिर नहीं दो राधे। अगला प्रश्न है निकुंजेश्वरी श्याम जी का, राधा वल्लभ श्री हरिवंश सखी, क्या मासिक धर्म में हम रज का तिलक लगा सकते हैं? अभी दीक्षा नहीं हुई, रज का तिलक लगाने का बोला है। पहले देखिएगा मैं बताती हूँ, सबसे पहले जब हम आश्रम से जुड़े थे तब उन्होंने मुझे मासिक धर्म में तिलक लगाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन कुछ समय बाद में जब दोबारा से हमने इस चीज को कंफर्म किया कि काफी मतलब कि जो आश्रम के बाबा जी जो हैं वो कह रहे कि लगा सकते हैं, तो हमें एक बाबा जी ने मना कर दिया था। फिर जब हमने दोबारा कंफर्म किया तो उन्होंने बोला कि आप मासिक धर्म में तिलक लगा सकते हो, तो राधे आपको जो है ना तिलक किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, आपको तिलक रोज धारण करना है। और अभी जितने भी प्रश्न इस वीडियो में थे उन सभी का मैंने रिप्लाई कर दिया है राधे। अगर किसी के मैसेज का रिप्लाई रह गया है, क्योंकि जितने हमारे पास शो हो रहे हैं उतने हमने रिप्लाई कर दिए है राधे, अगर किसी भी भक्त का प्रश्न रहता है तो आप मेरी इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा राधे, इसी वीडियो पे कमेंट कीजिएगा राधे, ताकि मैं फिर आपको रिप्लाई कर सकूं, ताकि जिनका रहा है उनका हमें फिर पता चल सके, क्योंकि हमारी तरफ से तो हमने इसमें वीडियोज में अपने प्रश्नों का जवाब दे दिया है। एक प्रश्न जो है ना अंजलि जी का है, उन्होंने उनका प्रश्न है कि वो गुरुदेव से दीक्षा अभी नहीं ले पाई, मतलब कि ले पाएंगे अभी वो किसी कारणवश, लेकिन वो गुरुदेव को उन्होंने गुरु मान लिया है दिल से, और 2-3 साल से एकादशी का व्रत रहती थी और बाकी उपवास भी रहती थी, तो क्या मतलब कि वो उपवास, देखिएगा अगर आप राधा वल्लभ संप्रदाय को फॉलो करते हो, आप आश्रम गए हो, वहां की नियम सारणी के अनुसार चल रहे हो, तो आप उपवास नहीं रहोगे, आपको ध्यापन करना होगा राधे। और लहसुन प्याज का नियम जैसे कि आपने बताया है नेक्स्ट उसमें कि लहसुन प्याज खाते हैं, तो आपको भी घर वालों के हिसाब से चलना पड़ता है। तो देखिएगा अगर दीक्षा होगी, अगर आप दीक्षा के नियम पे भी चलोगे तो आपको तामसी चीजें छोड़नी होगी, लहसुन प्याज चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। फिर आप ये नहीं है कि आपको घर वालों के हिसाब से, क्योंकि आपको अलग से भोजन पाना होगा, सात्विक भोजन पाना होगा तभी आपका भजन में मन लगेगा, नहीं तो ये जीभ है हमारे स्वाद के लिए बनी है, तो ये क्या है, इसको इस अच्छा अच्छा जितना मर्जी पकवान खिला लीजिए उतना ही मन जो आपका विचलित रहेगा, तो इसलिए आपको दीक्षा के नियम पे तब आओगे तो सब चीजें छोड़नी पड़ेगी राधे आपको। तो ये आपको ही सोचना होगा, डिसाइड करना होगा कि मुझे, या तो आपको घर वालों को आपको समझाना होगा कि आप किस मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो, या तो आपको घर वालों के हिसाब से चलना होगा। एक प्रश्न और है कि आपकी हेल्थ जो है ना वो खराब हो जाती है, जिससे मतलब आपको काफी प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे आपने बताया कि तुलसी माला से जाप करना चाहिए, तो नीम की तुलसी से आप जाप करते थे, तो नीम की तुलसी से नहीं करना राधे, तुलसी माला से ही जाप करना है। लहसुन प्याज सब चीजें छोड़ दीजिए, आप कंठी धारण करोगे जब आप उस समय पर, लहसुन प्याज सब चीजें छोड़ दीजिएगा, उसके बाद कंठी धारण कीजिएगा और तुलसी माला से नाम जाप आप कर सकते हो, तो इस तरीके से आप अपने नियम को फॉलो कर सकते हो राधे। और जिन भी भक्तों का कोई कमेंट्स हो तो राधे जरूर इसमें मैसेज कर दीजिएगा, और वीडियो जो है आपको सभी जिन भी भक्तों को जो भी हमें प्रश्न है उसमें कोशिश है कि हमने सारे ही वीडियोस में प्रश्न के जितने भी जवाब दे दिए हैं पूरी वीडियो जरूर सुनिएगा। राधे राधे एंड में जाके बोला।